हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हेलोजन का ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या किया था सैंडमिया रिएक्शन किया था उसका मैकेनिज्म के साथ एंड एप्लीकेशन किया था ओके okay. आज के वीडियो में हम लोग करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसा होता है इनाशियोमस एंड डायस्टोरियोमस क्या है ओके सो स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले काइरल कार्बन एटम क्या होता है काइरल कार्बन एटम काइरल मतलब क्या होता है एक ऐसा कार्बन एटम जिससे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच है जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे वाला इसके साथ यहाँ पे ऊपर सी एच थ्री अटैच है इस साइड सी एल अटैच है इधर सी टू एच फाइव है इधर एच है ओके या फिर यहाँ पे भी देख सकते ये जो कार्बन आइटम है इससे यहाँ पे सी थ्री है यहाँ पे एच है सी टू एच फाइव है सी एल है ओके okay, मतलब एक कार्बन एटम से फोर डिफरेंट टाइप के अगर ग्रुप अटैच रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कार्बन कार्बन इन मोलिक्यूल विच कैरी अ फोर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड कायरल आइटम अंडरस्टैंड तो ये होता है हम लोग का कायरल कार्बन आइटम ऐसा कार्बन जिससे चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच रहेंगे डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे ओके okay. अभी यही हम लोग का यूज होता है किसके लिए सुपर इम्पोसिबल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज के लिए वो भी आगे देखेंगे कि क्या है इसी वीडियो में ओके okay. सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है यहाँ पे क्या है हम लोग ने जो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है वेज फार्मूला ओके तो यहाँ पे किस तरह से होता है बताओ अगर हम लोग का कंप्लीट इस टाइप का दिया हुआ है मतलब क्या है वेज डैश ओके और ये क्या है हम लोग का अगर ऐसा दिया हुआ है कोई तो इसको क्या बोलते हैं सॉलिड वेज क्या बोलते हैं इसको सॉलिड वेज सो सॉलिड वेज का मतलब क्या होता है और जो मॉलिक्यूल है अबाव द प्लेन है और ये जो वेज है इसका मतलब क्या होता है मोलिक्यूल बिलो द प्लेन है क्या होता है बिलो द प्लेन और अगर सिंगल लाइन रहेगा ये सिंगल बॉन्ड रहेगा मीन्स वर्ड ये क्या हम लोग का प्लेन के ऊपर है मॉलिक्यूल कहाँ पे प्लेन पे अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या आएगा मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर सॉलिड वेज है मीन्स मॉलिक्यूल अबाउ द प्लेन एंड डैश वेज है तो क्या आएगा तो हम लोग का बिलो द प्लिन ओके सो दिस इज वेच फार्मूला ये hum log का fisher प्रोजेक्शन formula fisher प्रोजेक्शन formula किस तरह से आता है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये हम लोग का फॉर्मूला है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे कार्बन आइटम है वही सेम कैसा हम लोग ने किया है इस तरह से अरेंज किया है अब इसको अगर मैं थ्री डायमेंशन में देखूँ तो कैसा रहेगा जैसे कि ये अब देख सकते हैं ये आपका बॉडी है ये आपका क्या है बॉडी है देख सक देख रहे है? ये आपका बॉडी है ये जो आयोडीन और ब्रोमीन अटैच है ये आपके हैंड्स है तो क्या करोगे अगर आप हैंड्स को आगे लेके आ जाओगे हाथों को आगे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके हाथ आगे आ जाएंगे और बॉडी की तरफ तो चला जाएगा बॉडी की तरफ तो चला जाएगा बैक साइड चला जाएगा मतलब बॉडी कहाँ चला जाएगा बैक साइड में और जो तुम हाथ रहेगा वो क्या रहेगा फ्रंट साइड में सो so, फिशर प्रोजेक्शन का अगर थ्री डायमेंशन में हम लोग देखते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ पे रहेगा हम लोग का बैक साइड में डेट इज बॉडी और ये हम लोग का साइड वाला क्या रहेगा हम लोग का फ्रंट साइड में ओके okay? ऑलवेज इसी तरह का रहेगा दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये इस तरह का रहता है यहाँ पे हम लोग का जो एटम है कार्बन एटम वो क्या रहना चाहिए कायरल कार्बन एटम रहना चाहिए ओके okay? सो so, ये था ये क्या था हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन इसको और क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रॉस फार्मूला ओके okay. आज के जो लेसन में पढ़ने वाले हैं वो क्या है हम लोग का ऑप्टिकल एक्टिविटी सो so, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से होता है बिकॉज ऑफ दिस पोलराइज लाइट ओके जैसे हम लोग घर पे लाइट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट ओके मतलब अगर उसको चालू करोगे तो तुम लोग के पूरे रूम में क्या आएगा लाइट आएगा मतलब जो लाइट है वो फुल हर एक डायरेक्शन में जा रहा है यस और नो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म क्या यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म जिसके वजह से क्या होता है जो लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रहा है उसके वजह उसको क्या कर देते हैं हम लोग एक सिंगल डायरेक्शन में कर देते हैं कन्वर्ट किधर एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ये क्या हो सकता है एक तो हम लोग का क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है ओके okay. सो so, ये हम लोग का ऑर्डिनरी लाइट से हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया किसके वजह से निकोल प्रिज्म के हेल्प से निकोल प्रिज्म क्या करता है जो हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको कन्वर्ट कर देता है किससे क्रॉस सेक्शनल प्लेन पोलराइज लाइट में ओके okay. सो so, ये काम किसका रहता है किसका रहता है हम लोग का निकोल प्रिज्म का ओके okay. अभी ये क्या करता है हम लोग को मॉलिक्यूल का रोटेशन प्रोवाइड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा रहने वाला है किस टाइम पे क्या मिलेगा ओके सो so, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में काम आ रहा है तो जैसे कि मैंने ये देखा मॉलिक्यूल ये समझो मॉलिक्यूल है ये वाला मॉलिक्यूल है आपका ओके ये जो दोनों हैंड दिख रहा है ये मॉलिक्यूल है ओके अभी इसको क्या किया मैंने मिररज मिरर के सामने रखा एक हाथ को एक हाथ को क्या रखा मिरर के सामने रखा तो दूसरा हाथ क्या लग रहा है उसका अपोजिट लग रहा है यह सोनू ओके okay. ये अपना कोल्हापुरी चप्पल इसको अगर देखोगे तुम लोग तो ये भी कैसा है एक साइड देखो ये जो है किधर है हम लोग का राइट हैंड साइड में है लेकिन दूसरा जो मिरर इमेज में वो किधर है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है क्या नॉन सुपर एक दूसरे पे मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे है. लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ ये दोनों ग्लास को ये दोनों ग्लास ले लूँ तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है सुपर इम्पोसिबल है ये सो नो है ना तो ये ग्लास के एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ओके okay. सो so, अभी इसके अंदर किस तरह का होता है अगर हम लोग का जो मॉलिक्यूल है रोटेट होगा जो प्लेन पोलराइज है रोटेट करेगा उसको राइट हैंड साइड में ओके okay. राइट हैंड साइड में अगर रहेगा तो राइट हैंड साइड में रहेगा जो भी मॉलिक्यूल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग डेक्सट्रो रोटेटरी जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं या फिर पॉजिटिव भी बोलते हैं प्लस ओके okay. और अगर हम लोग का वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा किधर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको बोलते हैं हम लोग लीवो रोटेटरी क्या लीवो रोटेटरी अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो क्या आएगा वो लीवो रोटेटरी जिसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग माइनस भी बोला जाता है ओके okay. तो अगर राइट हैंड साइड में रहा रोटेशन तो क्या रहेगा प्लस जिसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी एंड अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में रहा टू तो क्या होगा हम लोग का लीवो रोटेटरी माइनस ओके तो यही हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन के लिए बहुत यूज आता है जैसे ग्लूकोज वगैरह के मॉलिक्यूल को डी है कि एल है वो फाइंड आउट करने के लिए बहुत यूजफुल आता है ओके ये हम लोग का अभी इसी के वजह से हम लोग का क्या आता है ये जो हम लोग का प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं या फिर अगर एक कंपाउंड देखो तो उसके अंदर एक ही से एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलता है वो अलग अलग टाइप में रहते हैं उसके अंदर थ्री डायमेंशन में तो अभी वो दो टाइप के होते हैं एक तो हम लोग का होता है इनाशोमर्स और दूसरा होता है डाइस तो इनाशोमर क्या होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमोज होते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब क्या जैसे तुम लोग ने हैंड रखा तो कैसा तो दिखाई देगा जो हम लोग का राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट दिखेगा जो हम लोग का राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला किधर दिखेगा राइट हैंड साइड दिखेगा अंडरस्टैंड दिख रहा है यहाँ पे ओके तो राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा और उस साइड से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में मतलब उल्टा दिखेगा ओके okay. देख रहे हैं आप लोग एक दूसरे के क्या आएंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल तो यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं इनाशोमस में एक दूसरे के क्या है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है कैसे देखो ये जो हम लोग का सी एच टू था डबल बॉन्ड वाला ये किस साइड में था लेफ्ट हैंड साइड में ये कौन सा साइड है लेफ्ट हैंड साइड है. लेकिन इस साइड में सी एच टू कहाँ पर है राइट हैंड साइड में ओके okay. यहाँ पे देख सकते सी एच थ्री कहाँ पे था यहाँ पे बताओ राइट हैंड साइड में इसमें कहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये क्या कर रहा है एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोसिबल मिररर इमेज बना रहा है तो इसको क्या ऐसा अगर कंपाउंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनान्शोमर्स क्या बोलेंगे इनाशोमर्स एंड डाई क्या होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं डाई क्या होते हैं जो नॉन मिरर इमेजेस दिखाई देंगे एक दूसरे के और नॉन आइडेंटिकल स्टूडियोमर्स बनाएंगे नॉन आइडेंटिकल स्टूडियोमर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग डाइस्टीरियोमर्स तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डाइस्टीरियोमर का एग्जाम्पल जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या बताओ ये वाला और ये वाला कंपाउंड फर्स्ट एंड थर्ड वाला फर्स्ट ये सेकेंड हो गया ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो है क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं ओके तो ये क्या है? हम लोग का सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज क्या है हम लोग का नॉन आइडिकल नॉन आइडेंटिकल स्टीरियोमर्स है और इसको क्या बोलते हैं नॉन मिरर इमेजेस सेकेंड और थर्ड भी देखेंगे तो क्या है सेम नॉन मिरर इमेजेस है सेकेंड और फोर्थ देखो तो भी क्या है सेकेंड और फोर्थ देखो जरा ये भी नॉन मिरर इमेज है कैसे यहां पे दोनों की है राइट हैंड साइड में इधर एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में ओके okay. अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं तो इसमें राइट हैंड साइड में था लेफ्ट हैंड साइड में था इसमें कहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड में आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है इनाशोमर से क्या है इनाशोमर तो वन एंड टू कंपाउंड वन एंड टू क्या रहेंगे एक दूसरे के इनांशोमर्स पेयर रहेंगे ओके okay. अच्छा ये जो दूसरा टाइप पे ये इनाशोमर भी नहीं है और डाइस्टीरोमर भी नहीं है uh, तो ये क्या है ये दोनों एक दूसरे के इसको बोलते हैं मीजोमर्स मीजो आइसोमर्स क्या बोलते हैं मीजोमर्स इसमें कैसा है हम लोग का जो अपर वाला साइड है वो कहते हो गया राइट uh, राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड वाला राइट हैंड साइड में और राइट साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एक दूसरे के पूरा कंप्लीट अपोजिट हो गया इसको बोलते हैं हम लोग मीजोमर्स और मीजो कंपाउंड जिस कंपाउंड आर कॉल्ड एट वो मीजोमर्स और ये कंपाउंड हम लोग का वन और थ्री वन और फोर ये क्या रहेगा डायस्टोरियोमर टू एंड थ्री एंड टू एंड फोर क्या रहेगा डायस्टोरियो तो कौन सा कौन सा वन एंड थ्री वन एंड फोर और कौन सा टू एंड थ्री टू एंड फोर ये क्या रहेंगे डायस्टोरियोमर्स वन एंड टू क्या रहेंगे इनाशोमर्स क्या रहेंगे इनाशोमर्स एंड थ्री थ्री एंड फोर क्या रहेंगे मीजोमर्स रहेंगे क्या रहेंगे मिजोमर्स ओके अंडरस्टैंड तो ये था हम लोग का कंप्लीट वीडियो लेक्चर किसके ऊपर ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर कंपाउंड में इनांशोमर एंड डैश ये हम लोग का कंप्लीट स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री अगर ये सब पता है तो ईजिल अंडरस्टैंड कर सकते समझ सकते ओके सो थैंक यू सो मच